शेर बर्फी पर एक्सपीरियंस तो कैसे है बोल नहीं पाओगे इसको, ये तो छोटे खुश हो जाएगी जिससे फुली रिकमेंड हम मतलब कर देंगे आप भी हमें हेलो गाइज वेलकम बैक टू द नेक्स्ट एपिसोड एपिसोड नंबर 4 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम फिर से जुड़ चुके हैं आपके साथ। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम कहां पे आए हुए हैं, तो भैया बताएंगे शायद यार। तो हम आए हैं जम्मू का मोस्ट फेमस स्वीट शॉप जिसको आप सारे ही जानते ही होंगे पहलवान, और ये है ओल्ड सिटी में इनकी सबसे पुरानी ब्रांच। और आज हम इसका कवर करने वाले हैं फुल डिटेल में, क्या प्राइसेज हैं, हाइजीन कैसी है और क्या क्या आपको यहाँ पे एंजॉय करने को मिलेगा। तो चलिए जल्दी से अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको लोकेशन। और एक और चीज़, गूगल मैप पे जैसे आप सर्च करेंगे तो ओल्ड हेरिटेज पक्की ढक्की करके इसकी प्लेस का पूरा प्रॉपर आ जाएगा डिटेल्स, तो मतलब आपको कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। सो ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं और बने रहिए हमारे साथ। तो गाइज अंदर हम आ चुके हैं और भाई साहब काफ़ी एक्साइटेड होंगे आप फिर से, क्योंकि लास्ट टाइम हमने जो बनाया था वो यहाँ पे टेस्टी लस्सी का रिव्यू बनाया था। तो आज हम जो आपको रिव्यू देने वाले हैं वो देने वाले हैं भाई साहब पूरी चने का, जो नेक्स्ट लेवल होने वाला एक्सपीरियंस आपका डेफिनेटली। सो फटाफट से आइए हमारे टेबल पर क्योंकि चना भटूरे फटाफट आ चुके हैं और दो और डिशेज आपको यहाँ पर अब टेस्ट करवाने वाले हैं। सो लेट्स गो ऑन द टेबल। तो गाइज एक चीज़ मैंने नोटिस की है भाई साहब, अभी जस्ट मैंने ऑर्डर दिया और यहाँ पे भाई साहब पूड़ी चना अपना आ चुका है। सो गाइज फटाफट से इनका मेन्यू सारा स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि काफ़ी सारे ऑप्शन हैं इनके पास। सो भैया से पूछते हैं, भैया हमें पूड़ी चना एक प्लेट कितने की पड़ी? 100 की। तो गाइज 100 की हमें पूड़ी चना पड़ चुकी है। तो अभी टेबल पे भाई साहब हमारी पूड़ी आ चुकी है, तो जिसको हम फटाफट से रिव्यू देने वाले हैं। ले ले। तो अभी पूड़ी को एक बार ले देखे, इन्होंने अंदर भी इसके फिलिंग की होती है पूड़ी की, मसाला तो इन्होंने फिल किया होता है इसके अंदर। तो ये आप देख सकते हैं अंदर से ऐसी है पूरी सामने, ये इनकी बाइट रेडी होते हुए चने और अचार। 100 रुपीज़ इसका प्राइस है। कैसा टेस्ट कर बताइए? नाम ही काफ़ी है पहलवान, इतना अच्छा टेस्ट है कि क्या बताऊँ, ऐसी पूरी आपने खाई नहीं। सच में अच्छा है? सच में बहुत अच्छा का टेस्ट है, फेमस है, यहाँ से बाहर भी जाती है स्टेट से। और साथ में हमारे पास ये जो शाही पिन्नी, इसका क्या प्राइस है? 500। तो इसका है 500। और देखिए ड्राई फ्रूट ऊपर कितने अच्छे से डेकोरेट किया गया। नट पीस। तो हमारे पास इसके बाद आ चुकी है देखिए नटीस, इसका क्या प्राइस रहता है? 820 रुपये के जी। 800 की फिलिंग है, देखिए कितनी ज़्यादा ड्राई फ्रूट की फिलिंग की हुई है, लुक देखिए कितनी अच्छी है। और उसके बाद हमारे पास ये है 900 पर के। और सबसे बीच में जो है वो बड़ी ज़्यादा फेमस है और आपको कहीं नहीं मिलेगी यहाँ के अलावा जम्मू में, और ये है सुन पंजीरी। सो गाइस फटाफट से अब मैं आपको इस पूरी चने का रिव्यू देने जा रहा हूँ, सो थोड़ा सा आपको और वेट करना पड़ेगा। अभी शुभ रिव्यू करते हुए बताइए। सो गाइस आप डेफिनेटली, मुझे लग रहा है आप काफ़ी एक्साइटेड होंगे क्योंकि मैं भी एक बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि लास्ट टाइम मैंने इनका और बताइए। और भाई साहब क्या बताऊँ मैं, पहली बाइट जैसे मेरी जुबान पे पड़ी उसके बाद मुझे कोई होश नहीं थी मैं कहाँ पे था, मतलब मैं बिल्कुल डूब चुका था, इतना जबरदस्त टेस्ट है। सो फुली रिकमेंड है, आओ और खाओ। तो गाइस यहाँ पे जो है हमारे सामने पेश कर दिया गया वो सारे ड्राई फ्रूट्स, मतलब
इनकी जो स्पेशल सारी स्वीट्स हैं वो हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है, सो फटाफट से ट्राई कर लेते हैं। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, अंजीर बर्फी यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले ये है अंजीर बर्फी। अंजीर बर्फी को हम डेफिनेटली टेस्ट करने वाले हैं क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मैंने कभी ट्राई नहीं किया, सो ट्राई करते हैं। नेक्स्ट लेवल, खोया और अंजीर, जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। सीरियसली वीडियो के लिए नहीं मैं बोल रहा, बहुत बढ़िया है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल फ्रेश है साथ में सारी मिठाई। मैं पूरी खाने वाला हूँ। हाँ, छूटे का कुछ नहीं, अभी चॉकलेट ट्राई करो, चॉकलेट तो ट्राई करो, मज़ा ही आ जाएगा। ध्यान दें यहाँ पे चॉकलेट भी है। ये है इनकी मोस्ट फेमस चॉकलेट बर्फी, और ये ट्राई कीजिए और बताइए कितनी सॉफ्ट है। देखिए पहले वही देखिए, बिल्कुल फ्रेश सॉफ्ट और बड़ी ज़्यादा चुई है, मज़ा आ जाता है इसको चबाने में। ड्राई फ्रूट इसमें भी भरे हुए हैं, हर चीज़ में ड्राई फ्रूट लोडेड है यहाँ पे, हर चीज़ में ड्राई फ्रूट डाला हुआ है, और ड्राई फ्रूट ही भाई साहब नेक्स्ट लेवल बनता है, तो ये भी ट्राई करते हैं। आप एक बार एक्सपीरियंस तो कीजिए, बोल नहीं पाओगे इसको। एक से बढ़ के एक है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या रिएक्ट करूँ उसके बाद, मतलब हर चीज में 100 आउट ऑफ 100, एक से बढ़ के एक मिठाई है। नेक्स्ट लेवल, बहुत 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 बढ़िया। नेक्स्ट ट्राई कीजिए, लेवल होता है उससे भी ऊपर। अभी नेक्स्ट तो ट्राई कीजिए। अच्छा नेक्स्ट में क्या आ रहा है? नेक्स्ट कीजिए नटीज बर्फी, ये वाली। हाँ, ये नट से बनी हुई है, ये तो छूटने नहीं वाली यार, मुँह से एक बार कर लो। ये इसमें क्रंच, देखो क्रंच कैसा आता है। भाई सीरियसली यार, मैं कुछ नहीं बोल सकता, प्लीज यार यहाँ पे आओ और खाओ। मैं डेफिनेटली फुली, अभी 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 बाकी है, खेल की अभी पिन्नी ट्राई करो। ये पिन्नी लास्ट में बाकी है, पिन्नी ट्राई करो जरा, पिन्नी भी एक बार बता दीजिए। ओहो, ड्राई फ्रूट से लोडेड है पूरी, और इसका टेस्ट तो देखो ज़रा, मज़ा ही आ जाएगा। मैंने सच में बड़ा ज़्यादा इन्जॉय किया इन स्वीट्स को। ट्राई करते हैं, आप करो करो, कैसा एक्सपीरियंस रहता है क्योंकि सब ऊपर ही जा रहा है एक्सपीरियंस हमारा। मेरी बोलती बंद हो गई है। अभी एक चीज़ हो रहा है, मेरे जैसे कह रहे हैं प्योर देसी घी, बिल्कुल बिल्कुल पूरा देसी घी, फुली रिकमेंड करता हूँ मैं। अभी मेन चीज तो रहेगी सेंटर वाली। ओ भाई साहब, ये तो करो नेक्स्ट लेवल, हर एक चीज़ में करो तो सही, इसको ट्राई। और ये नहीं बोलना कि नेक्स्ट लेवल सिर्फ वीडियो के लिए बोल रहा हूँ, सीरियसली बहुत अच्छी नहीं, ये सच में अच्छी है, हम जेन्युइन रिव्यू देते हैं, ऐसे किसी को बोलते नहीं है अच्छी ना हो। ये ट्राई करो सुन पंजीरी, ड्राई फ्रूट ट्राई करो। हाँ ये करो, ये पूरा देसी घी में बना हुआ है, इसको हम बोल सकते हैं होश उड़ाने वाली मिठाई है। चलिए अब हमसे वेट नहीं हो रहा, हम करते हैं ख़त्म, करते हैं हम भी ख़त्म करते हैं मिठाई, फिर चल आपको देते हैं फाइनल रिव्यू। सो गाइस, आफ्टर पूरी रिएक्शन मेरा एक तो नंबर, मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, एक सुपर एक्सपीरियंस है मेरा, मतलब मैं खा के टोटली मैं फैन हो चुका था पूरी का, पूरी चना, मतलब मेरे हिसाब से बेस्ट, मैं टॉप 3 नंबर जम्मू की जो टॉप 3 मैंने अगर मैं रिकमेंड करता हूँ तो टॉप 1 पे पहलवान की पूड़ी रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट लेवल है बॉस। सो बताइए आपको कैसा लगा यहाँ का एक्सपीरियंस, कैसा रहा, कुछ शेयर कीजिए। एक्सपीरियंस तो लाजवाब था, मतलब सच में ऐसा टेस्ट ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा, जम्मू में एक ही नाम है, आप पूछोगे किसी को भी तो जम्मू में एक ही नाम है, बस पहलवान, बस पहलवान का नाम लोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या बात है, कुछ अलग बात है। जब भी आप आओगे आप ज़रूर एक बार यहाँ पे आइए और हर चीज़ कुछ ना कुछ थोड़ी सी ट्राई कीजिए, आपको डिफरेंस भी पता चलेगा। सो लास्ट टाइम आपको भैया, मतलब भैया को आपने लास्ट टाइम वीडियो में देखा होगा, सो भैया कैसे हैं आप? बढ़िया। सो भैया आपकी यहाँ की जो पूड़ी हमने टेस्ट की है ना आज, तो मतलब मेरे हिसाब से मेरा एक्सपीरियंस आज वाव था, मतलब फुली रिकमेंड मैं हमारे व्यूवर्स को करना चाहूँगा। मेरे हिसाब से टॉप 3 जम्मू की अगर मैं रिकमेंड करूँ बाहर की व्यूवर्स को, तो मेरे हिसाब से पहले नंबर पे आते भाई साहब ये। सो मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, बहुत बढ़िया है सारी। सो गाइस, ये था हमारा चौथा एपिसोड जो बहुत ही बढ़िया था, मतलब नेक्स्ट लेवल था। सो मेरे हिसाब से भाई साहब मैंने तो बहुत मज़ा किया इस ब्लॉग में।
सो आपको फुली रिकमेंड करता हूँ मैं कि पहलवान्स में डेफिनेटली विजिट कीजिए। पहलवान्स पीर मीठा प्रॉपर लोकेशन है, आप यूट्यूब पे पहलवान्स पीर मीठा मेंशन करेंगे और हमारी वीडियो आपको शो हो जाएगी, जिससे आपको फुली रिकमेंड हम मतलब कर देंगे। और आप भी हमें हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो हमारी वीडियो पे ज़रूर आप लाइक शेयर कमेंट कीजिए। और यहाँ का स्टाफ भी काफ़ी अच्छा है, जो हमारे साथ काफ़ी कोऑपरेट कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी यहाँ पे हर एक चीज़ सर्विस है, फूड क्वालिटी ए टू जेड सब कुछ अच्छा है। सो इस वीडियो को करते हैं एंड, आई होप आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।